हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीना क्लासेस। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि पावर शेयरिंग क्या होता है। हमने एग्जांपल्स लेके पढ़े थे कि पावर शेयरिंग किस किस कंट्री में किया गया था। बेल्जियम एंड श्रीलंका का मॉडल देखे थे कि वो लोग ने अपना कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया था। सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो डिज़ायरेबल का मतलब क्या होता है? डिज़ायरेबल का मतलब इम्पॉर्टेंस बोल सकते हैं, या फिर एज कम्पेयर टू मेजोरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर शेयरिंग ही क्यों अच्छा गवर्नमेंट है। ओके, तो हम डिज़ायरेबल जो पॉइंट है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्रूडेंशियल फॉर्म और दूसरा है मोरल फॉर्म। ओके, तो प्रूडेंशियल फॉर्म क्या होता है? अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो प्रूडेंशियल फॉर्म जो है वो समझदारी के ऊपर है कि अगर हम पावर शेयरिंग लेते हैं या फिर पावर शेयरिंग गवर्नमेंट बनाते हैं तो प्रूडेंशियल फॉर्म क्या रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग जो है वो क्या है, शेयरिंग ऑफ पावर्स को हम पावर शेयरिंग कहते हैं। तो जैसे ही हम पावर्स को शेयर करते हैं वैसे ही क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप दो भाई बहन हैं या फिर दो बहनें हैं। ओके, तो जो बड़ी बहन है या फिर बड़ा भाई जो है उसको आपके मदर या फादर ज़्यादा प्यार करते हैं और छोटे भाई बहन को कम प्यार करते हैं। छोटे वाले को क्या लगेगा कि सब कुछ जो है, जितना भी प्यार है, जितना भी फैसिलिटीज़ है, वो किसको मिल रहा है, बड़े बहन को मिल रहा है, और बड़े और छोटे दोनों के बीच में क्या होगा, लड़ाई होगा, राइट। तो उसी तरीके से है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, अगर हम किसी एक को पावर देते हैं तो दूसरे वाले को लगेगा कि सब पावर्स जो है वो फर्स्ट को दे दिया गया है और बीच में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़ा होना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होना। सो नेक्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू एनश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मीन्स क्या, कि अगर दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है या फिर दो पार्टीज़ है एक कंट्री में, तो पहला पार्टीज़ को सब पावर मिला है, दूसरे पार्टीज़ को नहीं मिले हैं, तो वो क्या बोलेंगे, दूसरे पार्टी बोलेंगे अगर मेरा गवर्नमेंट होता तो मैं अच्छे से रूल कर पाता, अच्छे फैसिलिटीज दे पाते वहां के जितने भी जो नागरिक हैं उनको, राइट। तो इसी की वजह से क्या होता है कि लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कहते हैं। तो मींस क्या, यहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या, अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो क्या होगा, अच्छी तरीके से हम गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं या फिर एक कंट्री को रन कर सकते हैं। तो पावर शेयरिंग जो है वो क्या करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आती है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को हटाती है, इनस्टेबिलिटी हटाती है और स्टेबिलिटी लाती है। तो अगर हम कंक्लूजन का बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। अब कैसे बेटर आउटकम्स लेके आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ लेके आएंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट या एक गवर्नमेंट जो है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो दूसरा पार्टी उसको अपोज कर सकती है कि आप ऐसा मत कीजिए, ये सिटीजन्स के लिए अच्छा नहीं है, या फिर दूसरा पार्टी क्या कर सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिला सकते हैं कि वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे कि हम, अगर हम रहते गवर्नमेंट में तो हम ये लेके आते, या फिर कुछ भी सिस्टम अलग अलग लेके आते। तो ये था प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब मोरल रीजन क्या है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मोरल रीजन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पावर शेयरिंग क्या है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। अगर आपका कंट्री या आपका गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने पावर्स को शेयर करना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। तो इसी के लिए यहाँ पे मेंशन है, पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट मींस क्या, आत्मा है क्या का, डेमोक्रेसी का। तो मैंने अभी बताया पावर शेयरिंग जो है वो क्या है, फॉर द वेरी फर्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी को लेके। सेकंड, पीपल हैव अ राइट्स टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्न्ड। पीपल्स यानी कि सिटीजन्स को पूरा अधिकार है कि वो किस गवर्नमेंट से गवर्न होना चाहते हैं, या फिर कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज होगा उनके अंदर तो वो आराम से अपने रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि उनके ऊपर ये चीज़ क्यों आया है। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका का मेजोरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो जब क्वेश्चंस करते थे तो उनको क्या किया जाता था, हैरिस किया जाता था या फिर जेल में डाल दिया जाता था। बट अगर पावर शेयरिंग वाले गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर कोई भी सिटीज़न अपने रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि वो उनका क्या है, राइट्स है। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। मींस क्या, पावर शेयरिंग जो है वो खुद में ही क्या है, एक पार्ट है या एक पावर है जो कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में
बहुत वैल्यू रखता है। तो सो ओवरऑल कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था प्रूडेंशियल रीजन में, कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं लेके आती है पावर शेयरिंग, और मोरल रीजन में क्या है कि वो अपना खुद में एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ओके, इस टॉपिक में हम यहीं तक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग जो है वो किस किस फॉर्म में है और इंडिया में कैसा पावर शेयरिंग चलता है और बाकी सब कंट्री में कैसा चलता है। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू।